हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका सत्येंद्र ब्लॉग में। मैं सत्येंद्र आज आपको एक नई लोकेशन पर लेकर चलूँगा। लास्ट ब्लॉग में जैसा कि आपने देखा, हम क्वारी नदी पर गए थे और वहाँ पर किस तरह पानी उफान पर था, क्योंकि बारिश का सीज़न है और लगातार कल पूरे दिन बारिश हुई है। तो आज ऑब्वियसली बात है कि चंबल पर भी पानी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा। तो ये देखने के लिए आज हम वहाँ जाने वाले हैं। तो दोस्तों, ब्लॉग के एंड तक बने रहें और लोकेशन पर पहुँच कर सारी चीज़ें आपको दिखाएँगे, उन चीज़ों से आपको रूबरू कराएँगे, क्या स्थिति है, क्या परिस्थितियाँ वहाँ बन रही हैं। तो दोस्तों, ब्लॉग के साथ अंत तक बने रहें और शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हमारी लोकेशंस जो है जहां हम जा रहे हैं वो है चंबल नदी, जो कि पिनहाट का पुल है। यहां पर अगर बरसात सीज़न को हटा दें तो उसके अलावा हमेशा पीपा पुल रहता है, जिससे एमपी से लेकर यूपी तक आवागमन किया जाता है। एमपी के लोग एक पीपा पुल के जरिए यूपी तक पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ अभी कोई पुल नहीं बना है और पुल का कार्यक्रम पीछे चल रहा है। आप देख रहे हैं कि इसके पिलर बन चुके हैं और कुछ टाइम बाद ये पुल भी बन जाएगा। दोस्तों, इस लोकेशन को इस दिखाने का पर्पज़ यही था कि चंबल नदी बरसात के सीज़न में बहुत ज़्यादा उफान पर होती है और आसपास के गाँव को डेंजर जोन में घोषित कर दिया जाता है। और अभी फ़िलहाल पानी का भी स्तर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जो डेली की रूटीन से चंबल जो बहती है उससे काफ़ी ऊंची और ज़्यादा पानी की तादाद में बह रही है, ज़्यादा स्पीड से बह रही है। तो दोस्तों, यहाँ आने का बस यही पर्पस था कि आप लोगों को भी ये चीज़ दिखाई जाए। दोस्तों, अगर आपको दिख पा रहा हो तो मैं आपको दिखाऊं, ये शायद जूम करने पर भी क्लियर नहीं दिख रहा है। ये पीपा रखे हुए हैं जो कि पुल के रूप में यहाँ लगाए जाते हैं, पर फिलहाल वो बहुत दूरी पर हैं और अभी यहाँ से क्लियर नहीं दिख पा रहा है इसलिए, पर लेकिन आप व्यू एंजॉय कीजिए। चंबल अभी और टाइम की अपेक्षा बहुत ज़्यादा पानी आ चुका है। दोस्तों, अगर गौर से देखें तो इस प्रकार लग रही है चंबल नदी की जैसे कि एक डैम हो ये, पर यह डैम नहीं, एक नदी है। और यहाँ गहराई बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ पानी की संख्या तादाद बहुत ज़्यादा रहती है। दोस्तों, चंबल पर आपको पता है कि चंबल सेंचुरी भी बनी है, जिसमें अनेक प्रकार के पशु पक्षी देखने को मिलते हैं। मगर और घड़ियाल तो ओबियसली इस चंबल में हमेशा रहते ही हैं, पर लेकिन अनेक प्रकार के विदेशी और देसी पक्षी भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर से वो लोकेशन थोड़ी दूरी पर है, पर यहाँ पर भी मुझे कुछ ऐसे पक्षी के पेयर दिख रहे हैं जो कि आमतौर पर देखने को नहीं मिलते हैं। तो मैं आपको भी उनके नज़दीक जाकर दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर वो उड़ नहीं गए तो मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँगा। दोस्तों, तो उधर चलते हैं और वो लोकेशन भी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, अभी चंबल की और जगह लेके चल रहा हूँ मैं आपको। मुझे एक पेयर दिखा है जो पक्षी आमतौर पर देखने को नहीं मिलते हैं। चंबल के आसपास ही ऐसी प्रजातियाँ देखने को मिलेंगी, तो मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक से जाकर वो पक्षी। आप भी देखिए,
ये जो आप सामने देख रहे हैं ये एक पक्षियों का जोड़ा है जो कि देखो उड़कर जा रहा है। काफ़ी विशाल है ये देखने में। दोस्तों हमारी किस्मत ज़्यादा अच्छी नहीं थी कि हम नज़दीक से जाया जा सकें, उससे ही पहले वो उड़ गए, पर आपको एक झलक शायद देखने को मिली होगी इनकी। दोस्तों आप मौसम तो देख ही पा रहे हैं कितना सुहाना हो रहा है, बारिश कभी भी हो सकती है यहाँ पर, और चंबल बहती हुई कितनी शानदार लग रही है। दोस्तों नज़दीक जाने में डर लगता है क्योंकि चंबल में मगर और घड़ियाल की प्रजातियाँ बहुत अधिक संख्या में रहती हैं, और थोड़ा चंबल बहाव में भी तेज़ है और पानी का ये तादाद भी बहुत ज़्यादा है, तो नज़दीक जाना ज़्यादा सही नहीं रहेगा यहाँ पर। दोस्तों आपको बता दूँ जैसे कि बरसात के सीज़न में जो पीपा पुल है वो हट जाता है, उसके बाद आवागमन का एकमात्र जरिया स्टीमर या बोट रह जाता है। लोग उसी से इस पार से यूपी की बॉर्डर में अंदर प्रवेश करते हैं, और दोस्तों वो जस्ट हमारे आने से ही पहले उस साइड निकल गया तो हम नहीं दिखा पाए। एक झलक वीडियो में दिखी होगी आपको, पर लेकिन बिल्कुल नज़दीक से नहीं दिखा पाए। अगर वो समय रहते हुए वापस आ जाएगा तो उसको हम दिखाएंगे आपको कि लोग किस तरह इस स्टीमर को यूज़ कर उस साइड जाते हैं और वहाँ से बाज़ार या फिर अपने रिश्तेदारों से मिलकर वापस आते हैं। तो ये कुछ समय बाद समस्या ख़त्म हो जाएगी क्योंकि ये पुल पूर्ण रूप से बन जाएगा, उसके बाद ये समस्या लोगों के लिए ख़त्म हो जाएगी और आवागमन बहुत अच्छा हो जाएगा। दोस्तों अम्बा क्षेत्र से यूपी में पनहाट की साइड क्रॉस करने में लगभग आधा घंटा से पौन घंटे के बीच में सफ़र है, और बरसात के सीज़न में अगर बड़ी गाड़ी लेकर जाना होता है तो दोस्तों वो वाया मुरैना होकर जाना पड़ता है, जिससे समय बहुत ज़्यादा लगता है। अगर ये पुल कंप्लीट हो जाएगा तो उससे समय की बहुत बचत होगी और लोग इस साइड से उस साइड ईजिली जा पाएंगे और डायरेक्ट आगरा पहुंचने के लिए बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी, जिससे इस क्षेत्र में रोज़गार भी बढ़ेगा। ये पुल बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, अभी बरसात की वजह से इसका काम रुक गया है, बरसात ख़त्म होते ही ये काम फिर स्टार्ट हो जाएगा और बहुत जल्दी कम्प्लीट होने के इसकी आसार हैं। सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं यहाँ सर, यहाँ से यूपी की जो नहरें हैं उनकी परियोजनाओं के लिए पानी जाता है और बहुत से एरिया यूपी के इससे पानी का सेवन करते हैं। और दोस्तों ये है रेत जिससे मकानों में निर्माण में यूज़ किया जाता है। आमतौर पर नदी के किनारे आपको मिट्टियाँ देखने को मिलती हैं, बस इस नदी के किनारे आपको ये इस प्रकार की रेत, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, इस प्रकार की रेत आती है जिससे कि मकानों का निर्माण होता है, यहाँ से वो रेत जाता है, सप्लाई होता है, और इस पर रोकथाम भी है। बहुत सारी जगहों पर रेत बिना परमिशन के नहीं लिया जा सकता क्योंकि इस रेत में ही मगरमच्छ और घड़ियाल अपने अंडे देते हैं, और रेत का अवैध इस तरह यूज़ करने से उनकी प्रजातियों भी खतरे में आ जाती हैं दोस्तों, इसलिए उस चीज़ पर रोक भी लगा दी है गवर्नमेंट ने। बाकी आप दूर दूर तक देख सकते हैं चंबल की बेहड़, जिसको कुछ समय पहले डांकों के नाम से जाना जाता था। ऊंची ऊंची बेहड़ें हैं यहाँ पे, उनकी घाटियाँ देख सकते हैं आप कितनी ऊंची, और बहुत लंबे एरिए में फैला हुआ है यह बेहड़। दोस्तों अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो स्टीमर अगर वापस आ सके और हमारे पास टाइम हुआ तो हम उस साइड जाने की कोशिश करेंगे। उस साइड भी कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जो आपको दिखाने में हमें भी आनंद आएगा क्योंकि वो चीज़ें भी बहुत सारी चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि मूवीज़ की शूटिंग हो, इस जगह काफ़ी शूटिंग हुई है जहाँ पर यतीम मूवी की शूटिंग हुई थी, और काफ़ी सारे सीन्स इसी चंबल के नज़दीक लिए गए थे। यहाँ से उस साइड जाने पर यूपी में एक छोटा सा किला भी है जो बहुत प्राचीन है, उस किले पर यतीम मूवी की भी कुछ सीन शूट हुए थे, तो उस जगह जाने की कोशिश करेंगे अगर स्टीमर समय रहते साइड आ गया तो। दोस्त अभी फ़िलहाल हम वेट करते हैं स्टीमर कितनी देर में साइड वापस आता है ये देखते हैं, और जैसे ही वो आता है अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम उस साइड ज़रूर जाने की कोशिश करेंगे दोस्तों।
दोस्तों ये कंस्ट्रक्शन के लिए मशीन रखी हुई है जो कि पुल निर्माण में सहयोग कर रहे हैं। साथ ही ये आप एक देख सकते हैं, ये पीपा का एक नमूना रखा है जो कि यहाँ पीपा के ब्रिज बनाने में सहयोग है इन पीपाओं का। इन ऐसे ही बहुत सारे पीपाओं के जरिए यहाँ प्लांट पर पीपा का पुल बनाया जाता है जिससे लोगों का आवागमन होता है। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं, मैं काफ़ी देर इंतज़ार करता रहा पर लेकिन स्टीमर उस साइड से इस साइड नहीं आ पाए जिसके कारण हम उस साइड नहीं जा पाए और आप लोगों को उस साइड का व्यू नहीं दिखा पाए। और बारिश भी आसार लग रहे हैं कि बहुत तेज़ आने वाली है, इसलिए हम लोग वापस निकल रहे हैं। रास्ते में अगर कोई भी लोकेशन ऐसी लगती है जो आपको दिखानी चाहिए तो हम रुकेंगे और उस लोकेशन को एक्सप्लोर करेंगे। फ़िलहाल अभी हम वापस जाने की तरफ निकल पड़े हैं और सीधे सीधे जाकर बाइक पर बैठते हैं और बाइक से अम्बा की तरफ निकलते हैं। दोस्तों रास्ते में मिलते हैं अगर कोई लोकेशन अच्छी लगती है तो। दोस्तों फाइनली दोस्तों हम लोग अपने घर वापस आ चुके हैं। एक्चुअली बारिश होना बहुत तेज़ स्टार्ट हो गई थी और वेट करते करते काफ़ी लंबा समय हो गया था, तो हम लोगों ने उचित समझा कि घर की तरफ वापस निकलते हैं क्योंकि वहाँ रुकने से भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं था। इस साइड से अगर उस साइड पहुंच भी जाते तो दोस्तों उस साइड से वापस आने के लिए हमें फिर से 1 से 2 घंटे लगभग वेट करना पड़ता जो कि उचित नहीं था उस समय। और दोस्तों बारिश अधिक अगर हो जाती तो चंबल का बहाव और पानी बढ़ जाता जिससे स्टीमर की सर्विस बंद हो जाती है दोस्तों। और मिट्टी चिकनी होने की वजह से बहुत फिसलन पैदा करती है तो बाइक चलाना भी बहुत टफ हो जाता, इसलिए हम लोग घर वापस आए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों साथ ही आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, जुड़े रहें चैनल के साथ। बाय बाय दोस्तों।